नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है दिन भर के बड़ी खबरों की। अमेरिका दौरे पर गए पीएम नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतारेस और विश्व के अन्य नेताओं के साथ गांधी शौर्य पार्क और गांधी शांति उद्यान का संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में उद्घाटन किया। स्वीडन की पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि ग्रेटा थनबर्ग को आज 4 लोगों में से एक विजेता के रूप में चुना गया है। पीएम नरेंद्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा फादर ऑफ इंडिया कहे जाने को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के लिए गर्व का विषय बताया और कहा कि अगर किसी को इस पर गर्व नहीं होता है तो हो सकता है कि वह खुद को भारतीय नहीं मानता हो। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसी भी प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया हो। जनसंघ के रूप में देश को राजनीतिक विकल्प देने वाले और एकात्मक मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज 103वीं जयंती पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें उपाध्याय का जन्म 1916 में मथुरा में हुआ था जो आज उत्तर प्रदेश राज्य में है। और अब बारी आज के स्पॉन्सर न्यूज की। अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हैं और क्रिकेट की नॉलेज रखते हैं तो आपके लिए है बल्लेबाजी ऐप। इसमें क्रिकेट मैचेस में लीग ज्वाइन करके आप पैसा कमा सकते हैं। लीग ज्वाइन करने के लिए आपको कोई भी मैच सिलेक्ट करनी होगी और फिर कॉन्टेस्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी टीम बनानी है। एक कैप्टन और वॉइस कैप्टन सिलेक्ट करना है। इस ऐप में आपको मेगा लीग मिलती है जिसे आप सिर्फ 49 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं और लाखों में जीत सकते हैं। साथ ही एक 2 रुपए की लीग है जिसमें आप 25,000 रुपए तक जीत सकते हैं। आप इसमें कैश के साथ साथ फ्री कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। खास बात ये है कि इस ऐप के ब्रांड एम्बेसडर खुद युवराज सिंह हैं। इस ऐप को आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके पर फ्रेंड 100 रुपए कमा सकते हैं और आप जीते हुए पैसे को इजिली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वेट किस चीज का कर रहे हो? ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड दी ऐप नाउ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने आज कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एकमात्र ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिनका अमेरिका पहुंचने पर हवाई अड्डे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने अभिनंदन किया था। आपको बता दें कि इससे पहले थरूर ने नेहरू और इंदिरा गांधी की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए दावा किया था कि यह तस्वीर अमेरिका में ली गई थी, जिसके बाद ट्विटर पर वह घिर गए। हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि तस्वीर संभवतः रूस की है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीए की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की मांग कर रहे लाखों छात्रों का समर्थन करते हुए बुधवार को कहा कि इन छात्रों की मांग उचित है और सभी राजनीतिक दलों को इनका साथ देना चाहिए। भारत के मंगल मिशन ने 6 साल पूरे कर लिए हैं, जबकि शुरुआत में इसे सिर्फ 6 महीने के लिए मंगल ग्रह का चक्कर लगाना था। इसरो के चीफ के सिवन के मुताबिक अभी ये कुछ और दिनों के लिए काम करता रहेगा। दिल्ली से सटे नोएडा में एक निजी संस्थान के कार्यक्रम में पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव ने छात्रों से कहा कि भगवान का विधान और देश के संविधान की कभी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। अगर आप कानून की अनदेखी करोगे तो आपको भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की तरह जेल जाना पड़ेगा। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को फादर ऑफ इंडिया बताए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ट्रंप को भारत और महात्मा गांधी के बारे में कुछ नहीं पता है। वो नहीं समझते हैं कि बापू का इस देश में क्या योगदान है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 से पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के खिलाफ ईडी द्वारा केस दर्ज किए जाने पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ईडी कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रही है और इसे राजनीतिक नजरियों से नहीं देखा जाना चाहिए। बिहार में 2 अक्टूबर से भूमि निबंधन की नई प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस बीच बिहार के सीएम नीतीश सरकार ने राज्य की बेटियों के लिए बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब पारिवारिक संपत्ति पर बेटियों का भी हक होगा।
दरअसल सरकार ने राज्य की बेटियों के लिए नई रजिस्ट्री पॉलिसी के तहत ये फैसला किया है कि अब पारिवारिक बंटवारे में बेटियों का हक गुम नहीं होगा और पारिवारिक संपत्ति का रजिस्टर बंटवारा तो करना ही होगा, इसके साथ ही उसमें घर की बेटियों का भी हिस्सा बराबर का होगा। हिमाचल प्रदेश की सरकारी स्कूलों को सियासी रंग में बदलने की तैयारी की जा रही है। दरअसल सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की वर्दी का रंग बदलने के बाद अब हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार स्कूल में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम जयराम ठाकुर के फोटो लगे मेहरून रंग के बैग बांट रही है। बताया जा रहा है कि यह बैग पहली, तीसरी, छठी और नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दी जाएगी। हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से इसकी तैयारियों में लग गई है। इस क्रम में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राजधानी दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई, जहां इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, जेपी नड्डा और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर समेत भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद रहे। आने वाले इस नवरात्रों में भारतीय रेलवे IRCTC का IPO बाजार में लॉन्च करने जा रही है। बताया जा रहा है कि IRCTC का IPO बाजार में आने के बाद निवेशक इसमें इन्वेस्ट कर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। साथ ही IRCTC को उम्मीद है कि IPO के बाजार में आने से कंपनी 600 करोड़ रुपए की पूंजी जुटा सकती है। सैमसंग अपना सबसे प्रीमियर स्मार्टफोन गैलेक्सी फोल्ड भारत में 1 अक्टूबर को लॉन्च करने की तैयारी में है। मिली जानकारी के अनुसार भारत में स्मार्टफोन कम टैबलेट की गैलेक्सी फोल्ड की कीमत 1.5 लाख से 1.75 लाख के बीच हो सकती है। बताया जा रहा है कि इसे कुछ चुनिंदा रिटेल आउटलेट और प्री बुक मोड के जरिए ही खरीदा जा सकेगा। एक रिसर्च में कहा गया है कि अगर आप रोजाना व्यायाम करते हैं तो आप ना केवल फिट रहेंगे बल्कि इससे आपका दिमाग भी तेज होगा और दूसरे की तुलना में आपकी याददाश्त शक्ति और सोचने की शक्ति ज्यादा होगी। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को लगातार दूसरे टूर्नामेंट में भी निराशा हाथ लगी है। दरअसल चीन ओपन के दूसरे दौर में हारने वाली पीवी सिंधु को कोरिया ओपन के पहले दौर में भी अमेरिका की वीए बैंग झांग ने 7-21, 24-22 और 21-15 से हरा दिया, जिससे सिंधु टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। आपको बता दें कि इस खबर की जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने ट्विटर अकाउंट से दी है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवी हाउसफुल 4 के 2 पोस्टर सामने आए हैं, जिसमें अक्षय कुमार अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हाउसफुल 4 का ट्रेलर 27 सितंबर को रिलीज होगा। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसके ऑल ऑप्शन को दबा दीजिए। और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।